Hello guys, so today in this video we will review one of the top oldest number one private engineering college in Kolkata, that is IEM, yani Institute of Engineering and Management. So dekha jaye to as per placement record after Jadavpur University second position mein ye college aata hai, uske baad Techno Main Heritage aap log pakad sakte ho. So at first hum log baat karte hain is college mein kya kya affiliation hai. So this college approved by AICT, All India Council for Technical Education, and IEM is no more affiliated by MACAUT, yani Maulana Abul Kalam Azad University and Technology. Now IEM is fully affiliated by their own university, which is UEM, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि मकाउट एफिलिएटेड कॉलेजेस में हर दो दिन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. और एक चीज़ आप लोग जानते हो, आईएम में प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर देता है क्योंकि इनोवेशन के टाइम प्रैक्टिकल ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको जॉब लेने में सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है. देखो, आप लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका तो कुछ रिटर्न बनेगा ना. रिटर्न क्या है? प्लेसमेंट. सो दैट से हम लोग बात करेंगे कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है. तो देखो, ओवरऑल आपको एडमिशन का टाइम 1,20,000 पेमेंट करना होगा, जो आपका कॉलेज के नाम पे DD बनेगा, यानी डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज, यानी IEM ट्रस्ट के नाम पे बनेगा. उसके बाद सेकेंड टू एट सेमेस्टर आपका हो जाएगा 95,000 पर सेमेस्टर. तो ये सब कुछ मिला के टोटल आपका हो जाएगा 7,85,000. और यूनिफॉर्म, बस, बुक्स, हॉस्टल एंड सेमेस्टर एग्जाम का फीस, रजिस्ट्रेशन का फीस ही अलग से आपको देना पड़ेगा, वो कुछ नहीं. एग्जाम का फीस 1,200 होता है पर सेमेस्टर, और रजिस्ट्रेशन जो होता है वन टाइम होता है, 2,000 तक आपका हो जाता है, वो वन टाइम आपको पेमेंट करना होगा. अभी जस्ट आप लोग ये सोचो, अगर आप IEM छोड़ के किसी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो उसका मिनिमम फीस जो होगा 6 लाख होगा, क्योंकि सभी कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया है एज पर AICT रूल्स. तो 6 लाख देके आप दूसरे कॉलेज यानी Tier 3 कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोटा से जाते हो तो भी आपको अलग से डोनेशन देना पड़ेगा. तो देखो 6 लाख और इधर है 7,85,000, यानी 1,85,000 तो आपको एक्स्ट्रा ले रहा है IEM, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप जो आपको करना होगा, एज वेल एज इंडस्ट्रियल विजिट होता है फॉरेन में, सिंगापुर में, ठीक है. और जो प्लेसमेंट का हो 100% गारंटीड होगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉलेज का, जिस हिसाब से कॉलेज एडमिशन ले रहा है, 99% स्टूडेंट का प्लेस्ड हो जाएगा. तो मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में, डोंट वरी. सो दैट्स व्हाई अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते ही हो तो Tier 3 फालतू कॉलेज में इन्वेस्ट ना करके आप लोग सही अच्छे कॉलेजेस में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका रिटर्न जो है वो अच्छा आए. यानी रिटर्न का मतलब है प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए सब लोग अच्छे कॉलेज में जाते हैं. और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता रहता है, वो है IEM न्यूटाउन एंड IEM सॉल्टलेक को लेके. तो IEM जो न्यूटाउन है वो UEM ही है, उसका भी नाम चेंज किया गया IEM न्यूटाउन, तो वो UEM के अंडर आता है. और जो पुराना कॉलेज है IEM सॉल्टलेक, वो आपका मेन कैंपस है, यानी IEM सॉल्टलेक या फिर IEM कोलकाता, वही मेन कैंपस है. तो IEM सॉल्टलेक में अगर आप लोग पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको CSE AIML, CSE AI, CSE IoT, CSBCT एंड CSE IoT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSBS, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ECE, EEE एंड कोर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल देखने को मिलेगा. बट अगर आप लोग IEM न्यूटाउन में जाते हो तो न्यूटाउन में आपको कोर ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा, उसमें CSE AIML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSE IoT, CSBCT, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ECE एंड बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा. तो यही है मेन डिफरेंस बिटवीन IEM न्यूटाउन एंड IEM सॉल्टलेक. बट ये दोनों ही कॉलेज UEM के अंडर आता है. तो अभी आप लोग बोलोगे कि डिफरेंसेस क्या है. तो डिफरेंस देखो, IEM सॉल्टलेक पुराना कॉलेज है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है, और IEM न्यूटाउन जो है इसका प्लेसमेंट दिन ब दिन बढ़ रहा है. ओके, सो दैट्स वाई अगर आप लोग IEM सॉल्टलेक को एफोर्ड नहीं कर पाते हो तो मेरे ख्याल से सेकेंड ऑप्शन हो सकता है IEM न्यूटाउन. क्योंकि आप लोग Tier 3 फालतू कॉलेज में क्यों जाओगे, उससे बेटर होगा आप लोग IEM न्यूटाउन में एडमिशन ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा. क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा. IEM सॉल्टलेक में जो प्लेसमेंट आपका होगा वही सेम प्लेसमेंट IEM न्यूटन बच्चों का भी होगा. दोनों का ही सेम अपॉर्चुनिटी है, जा सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों का ही फीस स्ट्रक्चर एकदम सेम है, 7,85,000. तो इधर तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो अभी आप लोग IEM के लिए इंटरेस्टेड हो,
तो अभी हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, यानी एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो लास्ट ईयर जो क्राइटेरिया था WBJEE में 50%, IIMJEE में 40% एंड मैनेजमेंट कोटा में 10%, बट 2022 में ऐसा नहीं था, WBJEE में 80% सीट था। तो इसीलिए 2023 में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको WBJEE में ओनली 4,000 to 5,000 रैंक करना होगा तभी आप लोगों को IIM कॉलेज मिलेगा। और इस बार तो और भी कंपटीशन हो, क्योंकि 17,000 प्लस स्टूडेंट पिछले साल से इस साल ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है एंड इस साल WBJEE 2024 में अपेयर होने वाला है। तो इस साल भी आपका जो कंपटीशन लेवल है और भी बढ़ जाएगा। और अगर IIMJEE देना चाहते हो तो 40% सीट होता है IIMJEE के थ्रू। तो इसमें देखो डिफरेंट कॉलेजेस इंक्लूडेड रहता है, जैसे कि IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन, UEM कोलकाता एंड UEM जयपुर, तो ये चारों कॉलेज इंक्लूडेड रहता है। तो इनमें से अगर आपका रैंक 1 to 20 के अंदर होता है तो IIM सॉल्ट लेक का मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपका WBJEE या फिर IIMJEE में अच्छा खासा रैंक नहीं हो पाता है, सबका तो नहीं होगा ये तो सबको ही पता है, और अगर नहीं हो पाता है फिर भी आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो विथ मिनिमम डोनेशन अमाउंट, क्योंकि लास्ट ईयर रिकॉर्ड अगर देखा जाता है तो मैनेजमेंट कोटा से सबसे ज़्यादा एडमिशन हुआ था। ओके, और इनिशियल टाइम में मैनेजमेंट कोटा का जो फीस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, यानी डोनेशन अमाउंट बहुत ही कम रहता है। सो अगर आप लोग यही सोच लेते हो कि मेरा WBJEE में या फिर IIMJEE में नहीं हो पाएगा, मुझे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही एडमिशन लेना होगा, तो उस केस में आप लोग इस नंबर पे बेझिझक एनी टाइम कॉल कर सकते हो, आपको पूरा अच्छे से हेल्प किया जाएगा, पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा, देन आप लोग 100% एडमिशन ले सकते हो। ओके, और मैं आपको खुद हेल्प करूंगा। और आपको बता दूं IIMJEE 2024 का फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन कंप्लीट हो गया है, अभी थर्ड सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, जो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा एग्जाम एंड 30 अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ फाइनली अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ, तो 10th एंड 12th में अगर आप लोग ECE, EEE, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल टारगेट कर रहे हो तो आपको मिनिमम 65% मार्क्स रखना होगा, और अगर आपका 60% होता है 10th एंड 12th में तो आप लोग IIM न्यू टाउन में ECE मिल जाएगा, ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ, बट मिनिमम 65% आपको लगेगा फॉर ECE, EEE, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। बाकी अगर आप लोग CSE बैकग्राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि CSE मेन हो गया, IT हो गया, CSE स्पेशलाइजेशन हो गया, तो उसके लिए मिनिमम 70% आपका 10th एंड 12th में होना चाहिए। अगर आपको कोई भी पर्सन ये बोले कि 70% से नीचे अगर आपका होता है तो CSE या फिर CSE स्पेशलाइजेशन में एडमिशन हो जाएगा, तो वो गलत बोल रहा है। तो अगर आपका भी 10th एंड 12th में ऐसा परसेंटेज आता है तो आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हो, और WBJEE, IIMJEE या फिर JEE मेन में अगर कोई भी रैंक आपका होता है तो आप लोग आराम से मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सो नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हम लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड के ऊपर बात करता हूं। सो मैंने वीडियो के पहले ही बोल दिया था कि कॉलेज आपको दो इंटर्नशिप तो जरूर देगा, एक है 4 weeks का विंटर इंटर्नशिप और एक है 2 months का समर इंटर्नशिप। तो ये दोनों इंटर्नशिप आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज में, PSU सेक्टर्स में आपको करवाया जाएगा, एज वेल एज इंडस्ट्रियल विजिट होता है फॉरेन में, सिंगापुर में, ठीक है, तो वो भी आप लोग करवा सकते हो, जो आपके फीस में ही इंक्लूडेड रहता है। तो इतना सारा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, और हर साल तो इनोवेशन का होता ही होता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भर भर के मिलेगा। सो IIM अभी सीरियसली प्रैक्टिकली और प्लेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है सीरियसली, तो आप लोग आंख बंद करके जा सकते हो। और आप लोग सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन में ही रहोगे, एंड जिसको बोलता है IT हब ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सारा कंपनी है, चाहे तो आप लोग ऑफ कैंपस ड्राइव भी कर सकते हो, उसमें ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आता रहता है, ठीक है, तो उसमें ऑफ कैंपस भी होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इसमें से होता है, तो आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हो एंड अच्छा खासा प्लेसमेंट उठा सकते हो। और ओवरऑल IIM का प्रॉपर रिव्यू अगर आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको पूरा रिव्यू अच्छे से मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर आपको IIM एडमिशन को लेके कोई भी डाउट रहता है, चाहे आप एडमिशन लो या ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप लोग बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, ये रहा मेरा नंबर, इस नंबर पर ज़रूर कॉल करो, आपको एकदम अच्छे से गाइड किया जाएगा, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हो देन एडमिशन लो या ना लो वो आपकी मर्जी। सो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।